गाइज राइड एशिया मेला दिल्ली के प्रगति मैदान में स्टार्ट हो चुका है, जहां पे हमारे को अलग अलग इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। बट सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब कोई मेड इन इंडिया गाड़ी देखने के लिए मिले। तो आज मैं लेके आया हूँ आपको ई अश्वा का छोटू मॉडल। अब ये 100% जो है वो इंडियन मेड है। इस इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक मोपेड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। मेरे साथ है कंपनी के एग्जीक्यूटिव हाय भाई नितिन अभिषेक भाई, जो मेरे को इस छोटू के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, लाइक इसमें कितनी बैटरी होने वाली है, कितनी मोटर होने वाली है, कितनी रेंज ये प्रोवाइड करेगा और इसका प्राइस कितना होने वाला है। तो भाई सबसे पहले ये जो छोटू है, एक TVS जो हमारी बाइक या मोपेड आया करती थी उसी का एक इलेक्ट्रिक अवतार मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो इसमें कितनी हमें मोटर जो है वो देखने के लिए मिलती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ गाइस, मैं यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिड ड्राइव मोटर दी गई है, जो कि एक चेन ड्रिवन मोटर है। तो इसकी पावर कितनी होने वाली है? पावर इसी मैक्सिमम टॉप स्पीड जो है 25 रखी गई है, टॉप ज्यादा नहीं दी गई है। ओके क्योंकि ये जो काम आएगा लोडिंग, उसमें लोडिंग अगर कोई लोडिंग करके, ये तो है नहीं इसे 50 पे चलाएगा या 60 पे चलाएगा, इसलिए 25 इसी टॉप स्पीड दी गई है। मेन से एक लो स्पीड रखी गई है ताकि सेफ्टी के लिए वो रखी गई, सेफ्टी के रखी गई। ओके फाइन। इसके अलावा अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो ये बैटरी इसमें कौन सी लगाई गई है? 48 वॉट और 23 AH की बैटरी लगाई गई है। लिथियम आयन बैटरी लगाई गई है। अच्छा अगर मैं बात करूँ इसके चार्जिंग टाइम की, तो ये हमारे जो छोटू है कितनी देर जो बैटरी बताई उसके साथ ये हमारे को कितनी रेंज प्रोवाइड करता है? 75 किलोमीटर की इसकी रेंज है, 75 चेक करी है ऑन रोड चला के। मींस ये ट्रू रेंज आप बता रहे हैं? ट्रू रेंज है। तो गाइस देखिए, ये सबसे अच्छी बात है कि कंपनी ट्रू रेंज बता रही है, जो कि आपको 75 किलोमीटर की मिलेगी। अब बात करूं कि इसमें जो एडिशनल फीचर्स है, जैसे कि मैं देख रहा हूं कि यहां पे बैक सीट जो है ये भी डी अटैचेबल है। मींस अगर यहां पे हम कोई बॉक्स वगैरह लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। बॉक्स है, कोई Zomato की डिलीवरी करना चाहता है, जैसे स्विगी काम करते हैं, कोरियर वाले हैं, पोस्टमैन हैं, उनकी डेली लाइफ के लिए काफी आएगा। okay. अगर वो रातों को घर जा रहा है, बच्चे घुमाने जा रहा है, तो भी कर सकता है। ओके okay. और इवन अगर मैं गाइस यहाँ पे बताऊं भी, तो ये पूरी का पूरा जो इलेक्ट्रिक मोपेड जो बनाया गया है TVS की लुक में जो बनाया गया है, वो पूरा का पूरा आपको मेटल में देखने को मिलेगा। यहाँ हर जगह मेटल यूज किया गया है, जिसके कारण इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो काफी अच्छी हो जाती है। अच्छा भाई मैं यहाँ पे अगर बात करूँ अगर इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो कितना रहने वाला है? प्राइस जो इसका 74,999 रुपीज रखा गया है। ऑन रोड प्राइस, ऑन रोड प्राइस रखा गया है। अच्छा अगर किसी को अगर पैन इंडिया डिलीवरी करानी है, तो क्या हमारे पास वो डिलीवरी ऑप्शन अवेलेबल है? बिल्कुल 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 अवेलेबल है। हमारा जो नेटवर्क है पैन इंडिया 1200 स्टोर्स कवर करते हैं, 1200 स्टोर्स कवर करते हैं। जी जी हर जगह अवेलेबल है, ज्यादातर हम हर मेजर लोकेशन में अवेलेबल है। बहुत रिमोट लोकेशन है, वहाँ पे कोरियर भी चला जाता है। अच्छा वहाँ पे प्रॉपर बॉक्स पैक में कोरियर आएगा ये। ओके मतलब इसका ऐसा कार्टन पूरा पैकिंग में होता है। ओके तो कोई उसे गिरने की कोई भी लॉजिस्टिक समस्या नहीं आएगी। जी उसका चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं डिलीवरी के। अच्छा अगर मैं चार्जेस की बात कर ही रहा हूँ, तो यहाँ पे कितने चार्जेस होंगे अगर कोई पैन इंडिया डिलीवर कराना चाहता है? या वो डिपेंड ऑन द सिटीज करता है। मेरे ख्याल से अगर दिल्ली से बात करूँ मैं, चाहे कोरियर अगर कन्याकुमारी भेजना है, तो अराउंड मुझे 6,000 से 7,000 रुपए खर्चा, 7,000 रुपए का खर्चा आ जाता है, वो एडिशनल हो जाता है। जी जी 3 से 4 दिन लगता है, लोड में चला जाता है। ओके फाइन। तो गाइज आप ये देख सकते हैं, इसको आप पैन इंडिया डिलीवर्ड करा सकते हैं। कंपनी की कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी बात कर लेते हैं कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन की। आप देख सकते हैं इसका जो व्हील साइज दिया गया है, ये भी काफी बड़ा दिया गया है, जिसके कारण अगर आप रूरल एरिया से भी हैं तो वहां पे इसे आराम से चला सकते हैं। इसका हर चीज मेटल का दिया गया है, जिसके कारण इस इलेक्ट्रिक मोपेड की ड्यूरेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। आप देख सकते हैं ये एक चेन ड्रिवन मोटर है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। और ये जो बैक की जो सीट है ये हट जाती है, और यहाँ पे आप कोई बॉक्स, लाइक अगर आप डिलीवरी का काम करना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। आपको दोनों ही साइड पे गार्ड भी देखने के लिए मिलेंगे, लाइक जैसे कि साड़ी गार्ड कहा जाता था, वो साड़ी गार्ड भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे ये जो दो हुक दिए गए हैं, जिसपे आप कोई भी सामान इजिली बांध सकते हैं इधर से लेके इधर तक। और ये भी देख सकते हैं आपको यहाँ पे दोनों साइड पे फुटरेस्ट भी दिए गए हैं, ताकि अगर आपका कोई पिलियनर है जो बैठ के आपके साथ जा रहा है, वो इजिली अपनी राइड कंफर्टेबल तरीके से राइड ले सके। पूरा का पूरा जो ये मोपेड है बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है। अगर आप लोगों को ये इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक मोपेड पसंद आती है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और इस तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।